डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते आजकल फीमेल में भी हेयर लॉस काफी कॉमन है। पर क्या आपको पता है कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में गैप आ जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल है और उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपका हेयर लॉस उस कंडीशन में ना जाए, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने आप को उस कंडीशन में जाने से बचा सकते हैं। टू वीडियोस के इस सीरीज में एड ऑन हेयर केयर फीमेल हेयर लॉस के ट्रीटमेंट को 10 लेवल में डिस्कस कर रहा है। फर्स्ट 5 लेवल जैसे अंडरलाइंग डिजीज, डाइट, होम रेमेडीज, लाइफस्टाइल और हेयर टॉर्चर प्रोसेस के बारे में पार्ट 1 के वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में लास्ट के 5 लेवल का ट्रीटमेंट जैसे मल्टीविटामिन, मिनोक्सिडिल, स्पेशल फीमेल हेयर लॉस मेडिसिन, डर्मा रोलर, पीआरपी, ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाएगा। हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा और आप देख रहे हैं हेयर का सबसे ऑथेंटिक, ट्रस्टेड और साइंटिफिक चैनल एड ऑन हेयर केयर। एड ऑन हेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसप्लांट के लिए काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्निक डेवलप कर रहा है, तो अगर आप भी अभी से और फ्यूचर में बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। www.addonwellness.com बेस्ट मिनोक्सिडिल, फिनस्ट्राइड, मल्टीविटामिन, एंटी हेयर लॉस शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हाईएस्ट डिस्काउंट में प्रोवाइड करा रहा है। मिनोक्सिडिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्री एलसीएलटी और फ्री कैफीन और साथ में ट्रीटमेंट सपोर्ट भी फ्री में दे रहा है। पेशेंट काफी हैप्पी है, रिजल्ट काफी अच्छा है, तो आप भी www.addonwellness.com से ऑर्डर करना स्टार्ट करिए और बदलते वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करिए। इवन अगर आप हेयर कंसल्टेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड ऑन की टीम आपके लिए आपके कंडीशन को देखकर बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगी। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में लेवल 6 का ट्रीटमेंट है मल्टी विटामिन। इंडियन फीमेल में आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 और अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी काफी कॉमन है। पीरियोडिकल ब्लड लॉस के कारण हीमोग्लोबिन और आयरन भी कम होता है, इसलिए मल्टीविटामिन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में काफी इफेक्टिव टूल है। बट अफसोस यह है कि इंडिया में कोई भी अच्छा इंटरनेशनल लेवल का मल्टीविटामिन अवेलेबल नहीं है जो इफेक्टिवली आयरन और दूसरे डेफिशिएंसीज को परफेक्टली करेक्ट कर सके। एडोन की टीम ने एक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया है इंटरनेशनल लेवल का, जो 2-3 महीने में अवेलेबल हो जाएगा। करेंट कंडीशन में अगर आप हेयर लॉस के लिए मल्टीविटामिन सर्च कर रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। डिफरेंट कंपनीज से असेंबल करके एक कॉम्बिनेशन हमने प्रिपेयर किया है जो बाकी के मल्टीविटामिन से बेटर है। लेवल 7 पर जो ट्रीटमेंट है वो है सबका जाना पहचाना मिनोक्सिडिल। ये स्कैल्प पर लगाने या अप्लाई किया जाने वाला टॉपिकल सॉल्यूशन है। फीमेल में 2% मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन FDA अप्रूव्ड है, जो 1 ml दिन में 2 बार अप्लाई किया जाता है। अगर कोई साइड इफेक्ट जैसे इचिंग, इरिटेशन, फेशियल हेयर ग्रोथ, हेडेक, लाइट हेडेडनेस इत्यादि नहीं है तो 5% मिनोक्सिडिल 1 ml एक बार भी यूज कर सकते हैं। यह एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है काफी फीमेल के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट तब तक होता है जब तक आप इसे यूज कर रहे हैं और 2 साल तक काफी हेल्पफुल होता है। फीमेल के लिए एक गुड न्यूज है और वो ये कि 2 महीने में एड ऑन एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशन RCP कॉम्बिनेशन लॉन्च कर रहा है, जो काफी इफेक्टिव और पावरफुल मेडिसिन होगा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस से लड़ने के लिए। लेवल 8 पर जो ट्रीटमेंट है वो है फीमेल स्पेशल मेडिसिन। ये ओरल टैबलेट्स होते हैं जो हार्मोन्स पर काम करते हैं, जैसे ओसीपिल्स, स्पाइनोलैक्टोन्स, साइप्रोटेरॉन एसिटेट, DHT ब्लॉकर्स जैसे फ्लूटामाइड, बाइकेलुटामाइड, फिनस्ट्राइड, ETC। ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है और 6 महीने से 1 साल में आपके किसी भी तरह के गैप को कवर कर सकता है। पर इस मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में लिया जाता है और कुछ मेडिसिन में रेगुलर इंटरवल पर कुछ ब्लड टेस्ट जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट इत्यादि का रेगुलर मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है। अंडर ऑब्जर्वेशन ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव और सेफ है और ये मेडिसिन एडवांस फीमेल पैटर्न थिनिंग पर भी काफी इफेक्टिव है। लेवल 9 पर 2 ऐसे ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपको क्लिनिक जाना पड़ेगा और डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, डर्मा रोलर और PRP। डर्मा रोलर प्लास्टिक का एक टूल है जिसके एक एंड पर गोल्ड कोटेड निडल लगा होता है। जब इसे स्कैल्प पर रोल किया जाता है तब ये इंजरी क्रिएट करता है जिससे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है और हेयर लॉस हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसे आप वीक में एक बार घर पर भी यूज कर सकते हैं। घर पर डर्मा रोलर यूज कैसे करें उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके ही बॉडी से ब्लड लिया जाता है और उसे स्पेशल सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसे स्कैल्प में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया देकर किया जाता है। प्रोसेस सिंपल, सेफ,
इफेक्टिव और पेनलेस हो जाता है। अच्छे रिजल्ट के लिए पीआरपी का 3 से 4 सेशन लेना होता है। पीआरपी महीने में एक बार किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट पीआरपी कैसा होता है, उसमें ट्यूब और मशीन कैसा होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक को क्लिक करके देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि स्टैंडर्ड पीआरपी और ऑर्डिनरी पीआरपी में क्या डिफरेंस है। हमारे एड ऑन क्लिनिक का पीआरपी काफी इफेक्टिव है, मशीन स्पेशल है जिसमें पीआरपी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और ट्यूब भी यूएसए इंपोर्ट होता है। लेवल 10 का ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। कुछ ही फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि फीमेल में हेयर लॉस डिफ्यूज होता है, मतलब सारे बाल पतले हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो धीरे धीरे ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिर सकते हैं। फीमेल पैटर्न लुडविग ग्रेड 2, मेल पैटर्न इन फीमेल और ट्रैक्शन एलोपेशिया, ये 3 ऐसे कंडीशन है जिनमें फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो ये हो गए 10 लेवल के हेयर ट्रीटमेंट इन फीमेल हेयर लॉस कंडीशन। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ट्रीटमेंट चाहे कोई भी हो, जब तक आपके डाइट, लाइफस्टाइल और अंडरलाइन कंडीशन पर काम नहीं होगा, कोई भी ट्रीटमेंट थोड़े ही टाइम के लिए इफेक्टिव होगा। सो इस 10 लेवल के सारे लेवल को ध्यान में रखकर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और ब्यूटीफुल बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।